आज हम योग करेंगे हेयर फॉल के लिए। हर इंसान इस समस्या से जूझता है, तो मैं आपको बहुत सिंपल सी टेक्निक बता रही हूँ जिससे आपकी हेयर फॉल की समस्या पूरी तरह दूर हो जाएगी। हेयर फॉल की समस्या स्ट्रेस से भी रिलेटेड होती है, तो पानी पीने से आपका तनाव दूर हो जाता है, तो हर आधे घंटे के बाद आधा गिलास पानी जरूर पीजिए। अब बहुत ही सिंपल आसन मैं आपको बता रही हूँ जो हेयर फॉल के लिए सबसे अच्छा है, इसको हम स्क्वीज पोज बोलते हैं। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ इसको किस तरह से करना है। अपने चेहरे को 10 सेकंड के लिए टाइटली होल्ड करेंगे, सारा स्ट्रेस लिया और छोड़ दिया, फिर तनाव क्यों। ये बहुत अच्छा आसन होता है, इससे आपका जो भी स्ट्रेस होता है वो रिलीज होता है, आपके मसल पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, ये आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। अब मैं आपको दूसरा आसन बता रही हूँ, इसको हम शिशु आसन बोलते हैं, बाल आसन, जो बहुत अच्छा होता है हेयर फॉल के लिए। ये भी हमारे स्कल में ब्लड को पहुंचाता है, तो चलिए करके मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम वज्रासन में बैठेंगे, बहुत ही सिंपल है। सांसों को, ब्रीथिंग को नॉर्मल रखिए, सांस लेंगे, एक्सहेल, सांस लीजिए, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, अपने फोरहेड को नीचे लगाइए, ये भी आपके माइंड को पूरी तरह रिलैक्स करता है, आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये आसन, तो इसको ज़रूर कीजिए। चलिए अब आपको एक और आसन बताती हूँ जो भी हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा है, पवनमुख आसन। बहुत ही सिंपल है, इसको इस तरह से होल्ड करेंगे, अपने फोरहेड को लगाएंगे, आसन को भी करने से आपका ब्लड फ्लो स्कल की तरफ आता है, जो आपके हेयर फॉल की समस्या को पूरी तरह दूर कर देता है। अब एक बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बता रही हूँ, सुखासन में बैठेंगे, अपने फोरहेड को नीचे लगाएंगे, फिंगर्स अपार्ट, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ये आसन करके, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसको करेंगे। इसको ज़रूर कीजिए और अपनी हेयर फॉल की समस्या को दूर करिए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये आसन बहुत अच्छा लगे होंगे, आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। आपके सुझाव हमसे ज़रूर बांटें, हम लोग आपको फिर मिलेंगे। थैंक यू।